माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी हमारा मार्केट जाने का प्लान बन रहा था और तभी बारिश आनी शुरू हो गई। तो अभी बारिश थोड़ा सा रुकी है तो हम हो आते हैं मार्केट और बच्चे भी आ रहे हैं हमारे साथ, तो देखते हैं फिर वहाँ से कहाँ का प्लान बनता है। अगर बारिश रुकेगी तो हम थोड़ा बच्चों को लेके थोड़ा सा कहीं घूम लेंगे, अदरवाइज़ हमें फिर घर को ही आना पड़ेगा। लुमियाल जी का भी थोड़ा काम था मार्केट में और मेरा भी, तो काम ख़त्म करके हम घर को ही आएंगे ऐसा सोचा था हमने। पर बच्चे भी तैयार हो गए हैं हमारे साथ और आज उनकी छुट्टी थी तो उनका भी मन था घूमने का। और आपको मैं एक बार वेदर दिखा देती हूँ, बहुत ख़तरनाक मौसम हो गया है, लग तो नहीं रहा है घूम पाएंगे, बट देखते हैं। देखिए चारों तरफ काले काले बादल आ गए हैं, ये देखिए उस तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई है, यहाँ भी शायद शुरू हो गई है बारिश, यहाँ भी अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट देखते हैं अगर हो पाएगा तो घूम लेंगे। और हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, एंजॉय करिए वीडियो को। तो ये है हमारी गैंग और मौसम ने साथ दिया तो हम थोड़ा घूम के आएंगे वरना ऐसे ही घर को आना पड़ेगा। चलो चलते हैं, चलो आ जाओ। चलो तो हस्बैंड कर रहे होंगे अभी रोड में हमारा इंतज़ार, वो गाड़ी लेके आ गए होंगे और बस थोड़ा सा मौसम साथ दे दे तो हम थोड़ा सा घूम के आ जाए और देखते हैं क्या होता है। तो आ गई है हमारी गाड़ी, चलिए चलते हैं। चलो एक मिनट आराम से, गाड़ियाँ आ रही है। चलो 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 चलो, चलो, चलो। इनका जो काम था वो तो कर लिया इन्होंने, अब मुझे अपना काम भी होते हुए लग नहीं रहा कि होगा, मेरा काम भी शायद नहीं होगा और शायद हम घूम भी नहीं पाएंगे। देखते हैं अगर बारिश थोड़ी देर भी रुकेगी तो हम थोड़ा कहीं पे घूम लेंगे। ये देखिए कितना ख़राब मौसम हो गया है और अब हमें अपना प्लान यहीं पे चौपट करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आपको भी लिए चलते हैं उधर। तो बच्चे जा रहे हैं, चलिए चलते हैं। मन तो था कि कहीं मन था कहीं जंगल साइड जाएंगे और खूब मस्ती। तो अभी हमको मौका मिल गया थोड़ा सा घूमने का और बच्चों ने थोड़ा खा भी लिया है। तो ये देखिए पेंटिंग,
इस रेस्टोरेंट का नाम है लजीज रेस्टोरेंट। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है और फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह यहाँ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो आगे हम भी प्लान बनाएंगे यहाँ सेलिब्रेट करने का। तो चलिए अभी हमको जाना है थोड़ा सा घूमने। तो हम जा रहे थे अभी चंडिका मंदिर और सामने अभी कुछ इशू हो गया है शायद, तो इसकी वजह से ट्रैफिक हो गया है, पुलिस आई है। मौसम तो बहुत तगड़ा हो गया है। तो गाइज़ हम अभी आ गए हैं चंडिका मंदिर और मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में कहा था, मतलब फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आमने सामने चंडिका मंदिर और नीलेश्वर मंदिर है। तो अभी हम आए हैं चंडिका मंदिर पे और जो सामने पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है वो है नीलेश्वर मंदिर। और साथ ही मैं आपको बागेश्वर का व्यू भी दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ये जो ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है वो नुमाइश खेत है। और नुमाइश खेत में कई सारे फंक्शन होते हैं, जैसे उत्तरायणी मेला हो गया और दुर्गा पूजा, अष्टमी पूजा, ये सारे यहाँ पे होते हैं। और नुमाइश खेत के जस्ट पीछे सरयू नदी और गोमती नदी का संगम भी है और उसी के सामने बागनाथ मंदिर है, वो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाती हूँ। तो ये देखिए बागनाथ मंदिर। और यहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, ये देखिए। इस जगह पे सरयू नदी और गोमती नदी का संगम होता है। और तो इस पहाड़ी के टॉप पर है नीलेश्वर मंदिर। कभी मौका मिलेगा तो हम आपको नीलेश्वर मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। तो ये रहा नीलेश्वर मंदिर की पहाड़ी, ये देखिए। अभी सनसेट का टाइम भी है और ये देखिए कितना प्यारा व्यू क्रिएट हो गया अभी। इस तरफ घने घने बादल छाए हैं और यहाँ पे ये देखिए बागेश्वर का सुंदर व्यू। Thank you.
गए हैं शाम के 6:30 और बच्चे भी खुश हो गए हैं, आज खूब घूम लिया। तो अब चलते हैं घर को। और